दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं 43 इंच के साइज में कुछ बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी के बारे में, जिसको बड़ी आसानी से आप ऑनलाइन Amazon और Flipkart से आप खरीद सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। साथ ही दोस्तों ये जितने भी स्मार्ट टीवी है इसका डिटेल में मैं आपको स्पेसिफिकेशन भी बताने वाला हूँ। साथ ही हम जानेंगे कि किस प्राइस सेगमेंट में ये मार्केट में अवेलेबल, ताकि आप अपने बजट के हिसाब से आप चुन पाए कि कौन सा स्मार्ट टीवी आपको खरीदना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंजय जायसवाल और आप देख रहे हैं आपका चैनल। शुरुआत करने पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल में नए आए तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पहले क्लिक करके सब्सक्राइब कर, बेल नोटिफिकेशन दबा ना भूलें, ताकि हर दिन जब टेक्नोलॉजी जुड़ी नई नई वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए जान लेते हैं 43 इंच के साइज में कुछ बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी के बारे में। दोस्तों पहले नंबर का जो स्मार्ट टीवी जो निकल के आता है वो है सोनी ब्राविया का, जिसकी स्पेसिफिकेशन पर बात करें तो यहां पर पहले आपको मिलता है 4K अल्ट्रा HD का रेजोल्यूशन काफी अच्छा मिलता है। साथ ही आपको दोस्तों यहां पर 60Hz का रिफ्रेश रेट भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको 43 इंच के साइज में अगर आपको अच्छी पिक्चर की क्वालिटी और साउंड की क्वालिटी आपको चाहिए तो आपके लिए सोनी ब्राविया एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, जहां तक इसके बाकी फीचर के बारे में बात करें तो यहां पर कनेक्टिविटी जो मिल जाता है आपको 3 HDMI पोर्ट और साथ ही दोस्तों आपको यहां पर 2 USB पोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको गेमिंग कंसोल का आपको कनेक्ट करना है इसमें टीवी में तो आप भी बड़ी आसानी से इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों साउंड आउटपुट जो मिलता है यहां पर 20W का, साथ ही यहां पर जो आपको डॉल्बी ऑडियो और क्लियर फेस का आपको लेटेस्ट साउंड आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि साउंड की जो क्वालिटी है आपको काफी नेचुरल और काफी क्रिस्टल क्लियर आपको सुनने को मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों ये सोनी ब्राविया जो गूगल टीवी है, जो गूगल के सारे एप्लीकेशन आप देख पाएंगे, इसको क्रोमकास्ट कर सकते हैं। साथ ही यहां पर आपको Amazon प्राइम, Netflix, YouTube, ये सारे जो एप्लीकेशन है आप बड़े मजे से यहां पर यूज कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों आपको जो डिस्प्ले मिलता है वहां पर X14K प्रोसेसर का मिलता है, जिसकी आपको साथ में आपको जो है 4K HDR के रेजोल्यूशन मिलने वाला है और लाइव कलर का भी आपको यहां पर फीचर देखने को मिलने वाला है। तो कहने का मतलब यह कि यहां पर जो ये सारे जो फीचर है डिस्प्ले में आपको पिक्चर की क्वालिटी काफी वाइब्रेंट और साथ ही आपको कंट्रास्ट भी जो है काफी आपको अच्छा आपको यहां पर देखने को मिलेगा। पिक्चर क्वालिटी काफी नेचुरल आपको देखने को मिलेगी। और यहां पर अगर आप गेमिंग खेलते हैं आप इसमें तो आपको काफी मजा आने वाला है, क्योंकि यहां पर जो है आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, काफी स्मूथ आपका गेम यहां पर चलने वाला है। और इसकी मैं अगर कीमत के बारे में बात करूँ तो दोस्तों इसका प्राइस जो है बाकी जितने स्मार्ट टीवी थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसमें पिक्चर की क्वालिटी और साउंड की क्वालिटी के हिसाब से इसका प्राइस जो है वो एक बेसिक प्राइस है इनका। और इसकी जो प्राइस है दोस्तों एक्चुअल वो है 49,990, वैसे 1,000-2,000 रुपये यहाँ पर कम ज़्यादा होता रहता है। और अगर आपको इसको फेस्टिवल सीजन में खरीदना है तो इसकी प्राइस थोड़ी सी आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो ये था दोस्तों हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर सोनी ब्राविया। अब दूसरे नंबर पर जो 4K स्मार्ट टीवी निकल के आता है 43 इंच में वो है सैमसंग ब्रांड का क्रिस्टल 4K नियो सीरीज। और ये जो पर्टिकुलर मॉडल है दोस्तों ये लेटेस्ट मॉडल है 2022 का। जो पहला भी जो आपको मैंने सोनी का बताया वो भी 2022 का लेटेस्ट मॉडल था। और इसके सैमसंग की स्पेसिफिकेशन बारे में बात करें तो यहां पर दोस्तों आपको क्रिस्टल 4K अल्ट्रा HD का रेजोल्यूशन मिलता है और साथ ही दोस्तों रिफ्रेश रेट जो है 50Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। इसकी कनेक्टिविटी में बात करें तो इसमें 3 HDMI पोर्ट और साथ ही दोस्तों आपको एक USB पोर्ट आपको मिलने वाला है। और इसके अलावा इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया इसमें 4K अल्ट्रा HD का रेजोल्यूशन मिलता है, तो आपको यहां पर जो है पिक्चर की क्वालिटी भी आपको काफी अच्छी आपको देखने को मिलने वाली है। और साथ ही दोस्तों यहां पर आपको जो है न्यू बेजलेस डिजाइन आपको मिलने वाला है, यानी कि स्क्रीन टू बॉडी रेशियो तो आप देखेंगे जो ब्रैकेट देखेंगे इस टीवी का वो बहुत ही कम है, यानी कि आपको वाइड स्क्रीन आपको सैमसंग के स्मार्ट टीवी में देखने को मिलने वाला है। और साथ ही दोस्तों यहां पर आपको जो डिस्प्ले में भी कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्होंने भी डाला हुआ है, जैसे कि यहां पर आपको मिलता है सपोर्ट करता है ये HDR 10 प्लस का प्योर कलर का इन्होंने यहां पर ये फीचर डाला हुआ है। साथ ही दोस्तों यहां पर जो है 1 बिलियन कलर्स का भी एक इन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहां पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ इनके स्मार्ट टीवी में। ऐसे ज्यादा मैं टेक्निकल में इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि दोस्तों सैमसंग और सोनी ब्रांड ऐसी है कि इनकी पिक्चर और साउंड की जो क्वालिटी मुझे काफी पर्सनली पसंद आई और शायद दोस्तों आपको भी काफी पसंद आएगी। तो मैं इसको जो है ये दोनों ही मॉडल को दोनों ही ब्रांड को जो है मैं पहले रिकमेंड करता हूं किसी भी सेक्टर के और
किसी भी साइज के स्मार्ट टीवी में। और जहां तक साउंड आउटपुट की बात करें, इसमें 20 वाट का साउंड आउटपुट मिलने वाला है, डॉल्बी ऑडियो का आपको इसमें साउंड मिलता है। उसकी जो कीमत है दोस्तों, आपको ये 35 से 36,000 के प्राइस में आपको देखने को मिलने वाली है। और इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाके चेक कर सकते हो। और दोस्तों जितने भी मैंने स्मार्ट टीवी आपको बता रहा हूँ, सारे के मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। अगर आपको मान लीजिए बाद में कोई खरीदना है जाके, तो आप अमेजोन में जाके आप चेक करके खरीद भी सकते हैं, या फिर अगर डिटेल में आपको स्पेसिफिकेशन जानना है तो वहां पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों तीसरा जो स्मार्ट टीवी निकल के आता है 43 इंच में, वो भी सैमसंग ब्रांड का ही है, जिसका नाम है सैमसंग प्रो सीरीज। और दूसरा जो स्मार्ट टीवी आपने देखा था सैमसंग ब्रांड का, वो था नियो सीरीज। अब इस प्रो सीरीज के बारे में हम कुछ स्पेसिफिकेशन जान ले। तो पहला दोस्तों, यहां पर आपको मिल जाता है क्रिस्टल 4K अल्ट्रा HD का रेजोल्यूशन, साथ ही दोस्तों आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। तो पहला जो दूसरा जो आपने मॉडल देखा था सैमसंग का, तो वहां पर आपको मिल रहा था 50Hz का रिफ्रेश रेट, लेकिन यहां पर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों आपको यहां पर 3 HDMI पोर्ट और सिंगल USB पोर्ट देखने को मिलने वाला है। अल्ट्रा HD का रेजोल्यूशन तो आपको मिलता ही है, साथ ही दोस्तों यहां पर आपको सारे यहां पर आपको फीचर आपको देखने को मिलेगा जो पहला आपने मॉडल में देखा। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा रेजोल्यूशन का आपको यहां पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। रेजोल्यूशन के साथ साथ आपको रिफ्रेश रेट भी का भी आपको डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों यहां पर साउंड आउटपुट भी ऑलमोस्ट आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, लेकिन इस स्मार्ट टीवी का थोड़ा सा प्राइस आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है। यहां पर आपको 34,000 या 33,000 के प्राइस में आपको ये शायद अमेजोन में देखने को मिल जाएगा। तो 1,000-2,000 रुपए का डिफरेंस दोनों में आपको मिलने वाला है। अब चौथे नंबर पर 4K स्मार्ट टीवी है 43 इंच में, वो है OnePlus Y सीरीज, जिसके स्पेसिफिकेशन बारे बात करें तो यहां पर दोस्तों आपको रिफ्रेश रेट मिल जाएगा 60Hz का, 4K अल्ट्रा HD का रेजोल्यूशन मिलता है, साथ ही कनेक्टिविटी आपको 3 HDMI पोर्ट और साथ ही दोस्तों यहां पर 2 USB पोर्ट देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अगर आपको एक बजट फ्रेंडली स्मार्ट टीवी खरीदना है और आपका जो है बजट जो है अप्रॉक्सिमेट जो है 28-29-30 हज़ार का है, तो आपके लिए ये OnePlus का Y सीरीज भी काफी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साथ ही दोस्तों इसके साउंड आउटपुट की बात करें तो आपको यहां पर 24 वाट का साउंड आउटपुट मिलने वाला है और डॉल्बी ऑडियो का यहां पर आप वो साउंड भी आपको स्पेसिफिकेशन मिलने वाला है। और इसमें दोस्तों यहां पर आपको मिल जाता है गूगल असिस्टेंट का फीचर, साथ ही आपको यहां पर दोस्तों मीरा कास्ट और बाकी जितने भी आपको यहां पर एंड्रॉयड के आपको जो स्पेसिफिकेशन फीचर्स आपको चाहिए वो सारे चीज आपको इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपको ये एंड्रॉयड टीवी मिलता है। साथ ही अगर इसकी कीमत के बारे में बात करें तो ये भी आपको मिल जाएगा दोस्तों 30,000 के कीमत में आपको ये अमेजोन में देखने को मिलने वाला है। और इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, तो अगर आपको इसको भी खरीदना है तो आप जाके चेक करके खरीद भी सकते हैं। अब दोस्तों पांचवें नंबर का और आखिरी जो स्मार्ट टीवी निकल के आता है वो है रेडमी ब्रांड का, जिसकी मैं अगर स्पेसिफिकेशन बारे में बात करूं तो यहां पर आपको मिल जाता है 4K अल्ट्रा HD का रेजोल्यूशन, साथ ही दोस्तों आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा। और एक अच्छी बात लगी मुझे स्मार्ट टीवी के, क्योंकि यहां पर 178 डिग्री का जो है आपको वीवी एंगल मिलता है, यानी कि मान लीजिए आपका ऐसे बड़ा रूम है और आपको जो है लेफ्ट डायरेक्शन राइट डायरेक्शन या सेंटर से भी आपको देखना है, तो काफी अच्छा आपको पिक्चर आपको क्लैरिटी देखने को मिलने वाली है। और साथ ही दोस्तों यहां पर कनेक्टिविटी जो आपका 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट का आपको कनेक्टिविटी आपको मिलता है। और इसके अलावा जो साउंड आउटपुट है दोस्तों, यहां पर आपको 30 वाट का साउंड आउटपुट मिलता है। तो मुझे एक काफी अच्छी बात लगी यहां पर कि साउंड आउटपुट मुझे काफी अच्छा यहां पर मिल रहा है, यानी कि वो है 30 वाट का। तो ज्यादा लाउड साउंड वाला अगर आपको कोई स्मार्ट टीवी चाहिए तो आप इस रेडमी का जो स्मार्ट टीवी को अभी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों मुझे यहां पर डिटेल विजुअल का यहां पर मुझे सपोर्ट मिलता है, साथ ही यहां पर डॉल्बी ऑडियो का भी जो है मुझे आपको ERC जो है यहां पर मुझे सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और इसकी जो कीमत है दोस्तों, ये करीब आपको जो है 28,000 से 29,000 की कीमत में आपको ये अमेजोन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये पांचों जो इतने भी स्मार्ट टीवी मैंने आपको बताया है, ये अपने अपने स्पेसिफिकेशन हिसाब से काफी बेहतरीन है और इसका रिस्पॉन्स भी जो लोगों का जिन्होंने खरीदा है काफी अच्छा है। और साथ ही दोस्तों ये सारे जितने भी स्मार्ट टीवी है इसका मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, अगर आपको और भी कुछ डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए तो आप वहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। और दोस्तों ये था मेरे हिसाब से कुछ पांच ऐसे बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी 43 इंच में। वैसे आपको इनमें से कौन सा पसंद आया नीचे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। और इनमें से अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्मार्ट टीवी के बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए तो मेरे से नीचे आप कमेंट बॉक्स में जाके आप जाके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। और इस तरह का दोस्तों टेक्नोलॉजी जुड़ा नया वीडियो हम हर दिन लेके आते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूं दोस्तों आपको अगले वीडियो में। इस वीडियो बने रहने के लिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।